अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, हाउ डू यू? इन दिस इज फॉर आवर टीचर फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, लुक एट द पिक्चर। आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर द किड्स, स्पेशली बच्चों के लिए वीडियो है। और कीप वॉचिंग माई चैनल एंड यू कैन लर्न फ्रॉम दिस वीडियोज अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ विकैबलरीज। और आई एम 100% श्योर बच्चे बहुत इन्जॉय करेंगे और बिल्कुल बोरियत फील नहीं करेंगे इन वेकेशन में। अपनी छुट्टियाँ जो हैं वो इन्जॉय करेंगे। और सर्दियों की छुट्टियों में आप लोगों को डिफरेंट टाइप की स्टोरीज मिलेंगी सुनने को और बिल्कुल भी बोरियत नहीं फील होगी। ओके, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। स्टोरी क्या है आज का टॉपिक? अली इज़ लेट स्कूल। अली जो है वो स्कूल से देर हो गई अली को ना। अब पिक्चर में देखें अली कितना क्यूट सा अली बनाया हुआ है। अली का जो दिन है ना, आज क्या हो गया, लेट हो गया स्कूल से। वाओ अली, दिस इज़ अली। ये कौन है? दिस इज़ अली, ये अली है। अली के स्टोरी है, ऑब्वियसली अली है। दिस अली, अली स्लीपिंग। अली जो है वह सो रहे हैं। वाओ भाई, विंटर वेकेशन तो नहीं है जो सो रहे हैं ना। अली स्लीपिंग, अली सो रहे हैं। नेक्स्ट पिक्चर में क्या है? अली वेक्स अप इन द मॉर्निंग। अली सुबह सुबह उठ जाते हैं। अब अली क्या है, दोनों हाथ उठा के अली जो है जमाइया ले रहे हैं। अली उठ गए और मॉर्निंग हो गई अली की, सुबह हो गई अली की। बट क्या होता है बाद में, अली इज़ लेट फॉर स्कूल। लेकिन अली एकदम से जब वॉच को देखता है, घड़ी को देखता है, अली कहता है ओ अब तो देर हो गई भाई, अली को आज स्कूल से देर हो गई। अली ने टाइम देखा, वो तो टाइम कुछ ज़्यादा ही हो गया। अली इज़ वेरी सैड। अली बहुत उदास हो जाता है, बेचारे की शक्ल से लग रहा है बहुत ही सैड हो गया ना। अली बहुत उदास हो जाता है, कहता है क्या करूँ, डांट पड़ेगी स्कूल में ना, लेट हो जाते हैं। और रात में बच्चे जो जाग रहे होते हैं ना, लेट नाइट तक जागते रहते हैं, उनकी नींद पूरी नहीं होती है। तो वो क्या करते हैं कि अपनी नींद पूरी करने के लिए सुबह में नींद पूरी करते हैं स्कूल टाइम पे। होता है ना, समटाइम ऐसा भी होता है। अली क्विकली गेट्स रेडी फॉर स्कूल। अली जल्दी तैयार होता है। अली क्या करता है, अब तो भाई देर हो गई, अब टीचर से डांट पड़ेगी, स्कूल में पनिश मिलेगी ना। ऐसा भी होता है ना बच्चों के साथ कि पनिश के खौफ से वो डर जाते हैं, कहते हैं अब तो हमें पनिश मिलेगी। अली वॉक्स क्विकली टू स्कूल। अली तेज से तैयार होकर तेज से स्कूल की तरफ चले लगता है ना, कि जल्दी से पहुंच जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे आज टीचर जो है ना बाहर ही खड़ा रखे। नेक्स्ट पिक्चर में क्या होता है, अली गेट्स टू स्कूल। अली क्या होता है, अली गेट्स टू द स्कूल। अली पहुंच जाता है, अली स्कूल पहुंचता है। तो वहां क्या होता है, डोर ही बंद है ना, मुझे तो लग रहा है दरवाज़ा बंद हो गया। अली रन्स टू द क्लासरूम। अली क्लासरूम की तरफ, स्कूल से अंदर एंटर होकर क्लासरूम की तरफ रन करता है, भागते हैं। अली देखते हैं कि शायद कुछ अच्छा हो जाए। कोशिश तो अली ने बहुत की, ठीक है, जलील तैयार भी हो गए, उसके बाद रन भी कर रहे हैं, तेज़ से जा रहे हैं, क्विकली तैयार भी हो गए। ओके, अब टीचर की, अब क्लास में एंटर हो गए, क्या होता है, अली सेज़ टू द टीचर। अली जो है वो अपने टीचर से कहता है, अस्सलामुअलैकुम टीचर, क्या हाल हैं, तब आप कैसी हैं, मे आई कम इन टीचर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अब बस अली डरते डरते टीचर से पूछता है, सलाम करता है और कहता है मे आई कम इन क्लास, मैं क्लास में आ सकता हूँ टीचर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? द टीचर सेज, टीचर कहती है वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, यस बट व्हाई आर यू लेट टुडे, क्या हो गया अली, आज आप देर से क्यों आए हो, आज आपको देर क्यों हुई? टीचर सलाम का जवाब देने के बाद अली से सवाल जवाब करती हैं, भाई इनका राइट है पूछना, वाई आर यू लेट, क्या हो गया अली, आज आपको देर हो गई स्कूल से। तो फिर क्या हो गया, अली का क्या आंसर होता है? अली रिप्लाइज, अली जवाब देता है, सॉरी टीचर, माफ़ कीजिएगा टीचर, मुझसे गलती हो गई, आई वोक अप लेट टुडे, आज मैं देर से उठा, सॉरी भाई, सॉरी कर लिया बच्चे ने। इट मतलब टीचर खुश हो जाती है ना, सॉरी का वर्ड भी टीचर के लिए बहुत मायने रखता है ना। एक होता है ना एटिकेट्स होते हैं, कुछ मैनर्स होते हैं, बच्चे तो सॉरी भी नहीं करते, कभी ऐसा भी होता है कि सॉरी भी नहीं कह पाते, लेकिन सॉरी करने के बाद फिर वो दोबारा नहीं करना चाहिए ना। द टीचर टेल्स अली, टीचर जो है वाली को बताती है टू ट्राई टू बी ऑन टाइम फॉर स्कूल। द टीचर टेल्स अली, टीचर जो है वो अली को अब समझाती है, अली टू ट्राई टू बी ऑन टाइम, वक्त पे आना सीखो ना, वक्त पे स्कूल आना सीखें, वक्त की पाबंदी करें, क्योंकि सब बच्चे पहुंच जाएँ, कुछ लेट आते हैं तो उनको पनिश मिलती है। लेकिन मुझे लग रहा है टीचर बहुत अच्छी है, हाँ टीचर ने अली को जो है क्लास में एंटर होने दिया। ओके,
अली फील सैड, अली को थोड़ी सी उदासी होती है टीचर की कहने से, डांट टपट से। ही प्रॉमिस टीचर, वो प्रॉमिस करता है दैट ही विल नॉट बी लेट अगेन, दोबारा लेट नहीं होगा। अली ने प्रॉमिस किया टीचर से कि भाई टीचर अब आज तो देर हो गई मुझे, लेकिन आई एम श्योर अब मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि, और प्रॉमिस करता हूँ, वादा भी करता हूँ आपसे कि मैं अब जो है मुझे कभी देर नहीं होगी, मैं जल्दी क्लासरूम में एंटर हो जाऊँगा, ठीक है। द टीचर स्माइल्स, टीचर मुस्कुराती है एंड स्टार्ट्स द लेसन, और सबक शुरू हो जाता है। टीचर मुस्कुराने लगती है, टीचर खुश हो जाती है अली के सॉरी करने से, और अली भी थोड़ा सा उदास था कि टीचर को नाराज़ कर दिया। अब क्या होता है नेक्स्ट, अली इज़ हैप्पी, अली अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और अली खुश हो जाते हैं कि टीचर ने परमिशन दे दी अंदर एंटर होने की भी और बैठने की भी। ही सिट्स डाउन फॉर द लेसन, अब अली बैठ जाते हैं, लेसन पढ़ने लगते हैं। और कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना, आपको बताया है कि किस तरह सॉरी करना है और किस तरह टीचर को जल्दी स्कूल आने की, तो अली ने बहुत कोशिश करी, लेकिन होता है कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे जो हैं वो लेट हो जाते हैं और फिर टीचर से सॉरी भी करते हैं। आपने क्या सीखा कि आपको सॉरी करना चाहिए ना, और फिर प्रॉमिस भी किया अली ने कि अब अली जो है वो लेट नहीं होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, और छोटे छोटे बच्चों के लिए ये स्टोरीज थी, और कुछ इसमें बहुत ही सिंपल वर्डिंग यूज़ की गई है, आप लोग बहुत कुछ सीख सकेंगे आई एम 100% श्योर। कीप वॉचिंग माई चैनल, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, सी यू लेटर।